सबुद्ध और बुद्ध, सद सार पबुद्ध और बुद्ध। पबुद्ध का मतलब होता है पूरी तरह से जागा हुआ, यानी अवेकन, यानी एनलाइटेड। पाली के अंदर पबुद्ध शब्द का मतलब है जो जागृत है, जागा हुआ है, अवेकन है, और जो सब समझता है उसको पबुद्ध बोलते हैं। और जो बुद्ध है, बुद्ध का मतलब है, बुद्ध का मतलब है जिसको हाईएस्ट इंफॉर्मेशन है, धमकी, और वो उसको सिद्ध कर चुका है, सफल कर चुका है। बुद्ध का मतलब है कि अगर कोई धम्म को सिद्ध कर चुका है तो वो बुद्ध हो जाता है। और पबुद्ध का मतलब है जागृत, जागा हुआ, अवेकन। डॉक्टर अंबेडकर ने भारत को बुद्धिस्ट भारत बनाने की बात नहीं कही, ना ही बौद्ध भारत बनाने की बात कही। उन्होंने हमेशा भारत को प्रबुद्ध भारत बनाने की बात कही। प्रबुद्ध का मतलब है कि हर व्यक्ति जागा हुआ, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर अच्छी तरह से जानते थे कि बौद्ध और जो बुद्धिस्ट शब्द है ये बहुत बाद के शब्द हैं, और जो पबुद्ध शब्द है ये शब्द पाली का बहुत पुराना है, और भगवान बुद्ध ने सारे लोगों को पबुद्ध बनाया, किसी को भी बुद्धिस्ट या बौद्ध नहीं बनाया, पबुद्ध बनाया, जागृत बनाया, अवेकन बनाया। धन्यवाद।